की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे साथ हैं मेरे साई की तुलसा यानी कि स्नेहा वाग आज हमारे साथ हैं और स्नेहा वाग हमारे नेक्स्ट में खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूमी और टीवी पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, जिसमें हम माता लक्ष्मी की पूजा करके दिवाली की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज स्नेहा कैसे दिवाली आप सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट फेस्टिवल। मुझे दो तीन फेस्टिवल्स हैं हमारे जो इंडियन कल्चर में वो बहुत पसंद है, उसमें से दिवाली एक है। और दिवाली यूजुअली मैं बहुत मतलब मैं अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। हमारे घर में एक अलग ही माहौल होता है दिवाली के वक्त, और खाना, दिए, साफ सफाई, यू नो, एक मतलब एक महीना पहले से ही सारी चीजें शुरू हो जाती है। और मम्मी पापा बहन और हमारे घर में जो लैंटर्न लगता है, कंदिल बोलते हैं हम लोग, जो वो भी हमारे घर पे बनता है। तो पापा मम्मी हम सब बनाते हैं उसको और फिर वो दिवाली के पहले एक हफ्ता पहले लगा देते, तो एक अलग ही माहौल है, बचपन से ही माहौल है और मुझे बड़ा मजा आता है दिवाली में। ठीक है, तो हम वक्त जाया नहीं करते। हम ये है कि हम पटाखे ज्यादा नहीं जलाते, मतलब जलाते ही नहीं अभी तो, बिल्कुल भी नहीं, वो तो सभी आजकल नहीं फोड़ रहे हैं। अब हम वक्त जाया नहीं करते और हम पहले माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा से स्टार्ट करते दिवाली, उसके बाद की बात हम बाद में करते। चलिए इसमें सब कुछ हो गया, क्या क्या मांगा आपने आज? यूजुअली मैं नहीं बताती मैंने क्या मांगा है, लेकिन इस साल मैं मांगूंगी अपने लिए सोलस, थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत एक बिकॉज ऑफ ऑल दी एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ मैं बहुत एंक्शियस हो गई हूँ। नो, आई गेट वेरी एंक्शियस वेरी फास्ट, तो मैं बस उससे उभरना चाहती हूँ, इन सब चीज़ों से। मैं बस भगवान से वही मांगूंगा कि मतलब ऊपर वाले की दुआ है, कृपा है, जो भी है, काम तो टचवुड अच्छा ही चल रहा है, बाकी कोई वैसे टचवुड वैसे कोई इश्यूज है नहीं, बस एक पर्सनल लेवल पे, पर्सनल स्पेस पे आई वांट टू बी मोर एक्सेप्टिंग, सो वही मांगती हूँ मैं। अगर दिवाली से हम आपसे पूछे तो कोई मेमोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? दिवाली की बहुत सारी मेमोरीज है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, हर चीज को लेके हमारी मेमोरीज बनती है। मतलब मतलब वो भी एक मेमोरी बन जाती है जहाँ पे मम्मी ने कोई एक स्पेशल नया आइटम बनाया, तो वो मैं, मेरी बहन और मम्मी, हम तीनों वो कोशिश करते कि कौन सबसे अच्छा बनाए, ये भी एक मेमोरी होती है। मतलब हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। फिर जो मैंने बताया आपको, कंदिल जो हम लोग लगाते हैं, उसमें पापा की बहुत मेहनत जाती, कभी कभी तो ऐसे हुआ है कि दिवाली खत्म हो गई और पापा का कंदिल बनाना खत्म नहीं हुआ। सो बहुत सारी मेमोरीज है, एंड इट इज वन, मतलब एक वो ऐसा त्योहार है दिवाली जो बचपन से लेके आज तक, यू नो, पुशेस मी अप, मतलब एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, मतलब एक स्पिरिट मेरा उठा लेता है। सो आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिवाली एक्चुअली। ये तो दिवाली की बात हुई, ये बताइए कि जो भी आप घर की जो पूरी साफ सफाई होती है, घर में सब कुछ वो करते हो आपकी? करना पड़ता है, मतलब सब करना पड़ता है। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो घर में ऐसे इन्वॉल्व नहीं होना नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। कर रहे इस साल अभी तो मतलब मजे ही है, मतलब मेरी मासियां कुछ कुछ आ जाती है जो दूर रहती, पूना वूना रहती, तो वहां से आ जाते हैं एक दो दिन के लिए। घर में, हमारे घर में पूरा घर दिए से भर जाता है। अगर हो सके तो मैं इस बार कोशिश करूंगी कि मैं सारे फोटोज अपलोड करूँ सोशल मीडिया पे। यूजुअली मैं सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल चीजें ज्यादा नहीं डालती, तो इस साल कोशिश करूंगी कि सारी चीजें एक एक डिटेल्स डाल दूं। तो लास्टली, व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स, स्नेहा?
सारे व्यूअर्स को, E24 के सारे व्यूअर्स को और मेरे सारे फैंस को मैं बोलना चाहूंगी कि आपको दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं. पटाखे कम जलाएं, अभी तो रूल भी लग गया है, बैन लग गया है और टाइम लिमिट भी है, तो जितना कम हो सके उतना कम कीजिए. लेकिन हाँ, दिए जरूर जलाइएगा, अगर नॉट विद ऑयल देन इलेक्ट्रिकल दिया, सारे ऑप्शन है हमारे आज मार्केट में तो. और हाँ, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लीजिए अपनी फैमिली के साथ, यू नो स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद फैमिली, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता. हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच नेहा हमारे साथ बने रहने के लिए. कैमरा पर्सन लालचंद के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.